मस्त फॉरेस्ट है यार यहाँ पे। ये सरप्राइज लोकेशन है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। इस बार टायर चेंज कर रहा हूँ, राइस क्या डाल रहा हूँ, ये ऑफ रोड के लिए। तो कैंपिंग के लिए कुछ कुछ सामान ऑन द वे खरीद रहे। स्पॉट पे पहुंचे अभी हम लोग। पहली बार देखे मैंने आज ये। ओके गाइस, वेलकम बैक। ऋषिकेश में हूँ, आज जाने का प्लान है देहरादून। बाय द वे आज है 40th डे ऑफ 100 डेज ऑन व्हील ऑल इंडिया राइड, और यहाँ से अभी अपन जा रहे हैं देहरादून। यहाँ आई स्टेट सो माउंट भी कर दिया, सोचा डायरेक्टली आपको नीचे ही मिलता हूँ। अभी फिलहाल धूप बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे लिटरली, तो यहाँ से निकलता हूँ और ऑन द वे मिलता हूँ। बढ़िया, ओम नमः शिवाय। पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम है, फ्यूल अप करते हुए आगे बढ़ते फिर अपन। गर्मी सॉलिड है वेदर की बात करूँ तो, और मुझे लग रहा है मैं गलत टाइम पे निकल रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग निकल गया होता तो और थोड़ा बेटर होता, लेकिन अर्ली मॉर्निंग निकल के कुछ पॉइंट नहीं था क्योंकि यहाँ से देहरादून सिर्फ 1 घंटे के डिस्टेंस पे है, और 1 घंटे में अगर मैं देहरादून पहुँचूँ तो वो टाइम पर सर्विस सेंटर खुला भी नहीं होता, तो मैं एनी वे वहाँ पर जाके कुछ कर नहीं पाता। जो टाइम पर मैं निकला वो टाइम ठीक है, यहाँ से सीधा सर्विस सेंटर ही जाएंगे। सर्विस सेंटर में मैंने कॉल कर लिया है, अब सिर्फ वहाँ पहुँचना है। क्योंकि क्या होता है बहुत बार कि वहाँ पे एक ही सर्विस सेंटर है, और वहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा कि अगर मैं गया हो सकता है कि मेरे को वहाँ पे रुकना पड़े, अगले दिन बाइक मिले, ये सब हरकतें भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने पहले कॉल करके पूछ लिया, अगर ऐसा होता कि रुकना पड़े तो मैं ऋषिकेश में ही रुक जाता और कल फिर मॉर्निंग में निकल जाता 8-9 बजे के आसपास। और बाय द वे देहरादून में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी देहरादून नहीं गया हूँ। और इससे पहले 2 बार ऋषिकेश आ चुका हूँ, ये 3री बार है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी देहरादून नहीं गया था और ना ही हरिद्वार। तो ऋषिकेश में आई स्टेड, परसों में आया था, कल एक दिन पूरा रुका हुआ था यहाँ पे, एडिट्स वगैरह किए, एंड देन शाम को आई वेंट टू गंगा आरती। यहाँ पे आने के बाद है ना रुकने का मन करता है। एक्चुअली ऋषिकेश का कोई प्लान नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ऑल इंडिया राइड में रीज़न ये था नहीं रखने का कि मैं पहले आई थिंक रिसेंटली यहाँ पे आ चुका हूँ और उसके वीडियोज़ भी बना चुका हूँ इन डिटेल, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो ऋषिकेश का। अगर आपको यहाँ पे, ऑब्वियसली मैं घूमा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि मुझे अगले दिन देहरादून रुकना था, तो मैं सोचा देहरादून ही रुकना है तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेस है। अगले दिन उठ के देहरादून निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है, 1 घंटे की बात है सिर्फ। अभी जो किलोमीटर्स अपना हुआ है 7,256 किलोमीटर्स कम्प्लीट हुआ है, और होपफुली देहरादून में कल कुछ ऐसे प्लेसेस, कुछ एक ऐसे प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे विल हैव फन। ये सरप्राइज लोकेशन है जहाँ पे हम जाने वाले हैं, नेचर के बीच है ऑब्वियसली, देहरादून में है तो नेचर से जुड़े कुछ ऐसे प्लेसेस पे जाएंगे जो देखना बनता है। मैडम देहरादून, देहरादून इस तरफ के लेफ्ट में, हाँ ओह ओके थैंक यू। आजू बाजू तो मस्त फॉरेस्ट है यार यहाँ पे, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। वाह यार क्या प्लेस है। बाय द वे मसूरी का भी रास्ता यही है, देहरादून का तो है ही है, मसूरी का भी रास्ता यही है। आई थिंक मैं देहरादून पहुंच गया हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर है भी नहीं, देहरादून मॉल के पीछे, तो यहीं पे एक बार देख के। बाजू तो मस्त फॉरेस्ट है यार यहाँ पे, बताऊँ कि सर्विस सेंटर कहाँ पे, नहीं तो पता चला वापस पीछे आना पड़े। ओके तो स्ट्रेट ही है यहाँ से, 9.5 किलोमीटर है, 20-22 मिनट का डिस्टेंस है, तो पीछे नहीं जाना अपने को, ठीक है। एरोप्लेन बना हुआ है यहाँ पे भाई, ये प्लेस बहुत क्लीन और बहुत मस्त है यार। थोड़ी बहुत हल्के पुल्के ट्रैफिक है जो हर जगह है भाई, हर जगह है, लेकिन कितना क्लीन है ये प्लेस, बहुत मस्त प्लेस है यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो इधर ही यही रोड पे है सर्विस सेंटर, तो दिख नहीं रहा है। हाँ दिखा KTM का बोर्ड दिखा, ये रहा KTM का सर्विस सेंटर, आत्मदी घेऊ काय। ओके सो अभी बाइक मैंने दे दिया अंदर, एंट्री करवा दी है, यहाँ पे रुका हुआ है, और बाइक में एक और प्रॉब्लम आया जहाँ पे बाइक थोड़ी हल्की मिसिंग मार रही है और RPM बढ़ रहा है बीच बीच में, तो उसके लिए पूरा वो थ्रॉटल बॉडी चेंज करना पड़ेगा जो पार्ट्स इनके पास है नहीं, तो ट्राई करेंगे हिमाचल में कहीं पहुँचने के बाद करेंगे वो, क्योंकि इतना मेजर इशू भी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो मेन है वो है सर्विस, ऑयल चेंज वगैरह वो करा के आगे बढ़ते हैं। बोला लाइट खा लेता हूँ यहीं पे, फिर आगे निकलते हैं। पीच बनाना, रेडी है
अभी यहाँ से बस टायर चेंज करवा लेता हूँ क्योंकि टायर का जो इशू मैंने बताया था ये पूरा बबल होके बाहर आ रहा है। सो जाते हैं टायर चेंज करते हैं फिर आगे मिलता हूँ सीधा ट्रक की। यहाँ पे रुका था भाटिया टायर जो अपना देहरादून में है और मैं डाल रहा हूँ इस बार टायर चेंज कर रहा हूँ, राइस का डाल रहा हूँ लेकिन ट्रेल वाला डाल रहा हूँ, दिस ट्रेल आर राइस। और इसका ग्रिप है ना ये ऑफ रोड के लिए है, ये टूरिंग प्लस ऑफ रोड दोनों के लिए, आई थिंक ऑफ रोड के लिए ज़्यादा एडवांटेज है इसका। और इसके बटन्स एंड ग्रिप्स, और मैंने सुना है कि इसका जो डिज़ाइन है ना ये जो अपना डकार रैली उससे इंस्पायर्ड है इसके बटन्स, इसके पूरे डिज़ाइन। लास्ट टाइम जो मैंने टायर डाला था टूरर था और अभी मैं ट्रेल का डाल रहा हूँ। सो टूरर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, 20,000 के बाद थोड़ा बहुत वो फुलना स्टार्ट हो गया लेकिन लेट्स सी क्या सीन है। भैया वो जो फुलना स्टार्ट हो गया उसका रीज़न क्या होता है, क्यों फुलता है? वो रीज़न हो गया या तो गाड़ी फुल रही है, जो फुल रही है उसके चांस होते हैं, बट अभी लेट्स सी। टायर इज गुड, 24 का मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं है क्या? तो 24 वाला देखते हैं क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो दिया हुआ है 23 सितंबर। टायर का मैन्युफैक्चरिंग आपको देखना है तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, कहाँ डेट दिया है रे भाई, यहाँ पे डेट दिया है विच इज 3923, दैट मीन्स 3rd September 23। तो मतलब ये 6-8 महीना पुराना टायर है मैन्युफैक्चर, तो ऐसे आप डेट चेक कर सकते हो वैसे। सो लेट्स सी, अभी इंस्टॉल करता हूँ और फटाफट यहाँ से निकलता हूँ। ओके, फ्यूल अप तो कर लिया, तो मैं उन फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ जहाँ पे मैं जिन्हें मैं हर्षल वैली में मिला था। मैंने उनको ये बोला था जब मैं वहाँ पे आऊँगा तो मुझे एक ऐसा प्लेस बताना पड़ेगा जो मैं अपने व्यूअर्स को दिखा पाऊँ भाई। वैसे तो वाटरफॉल ही कोई, जो यहाँ के बहुत से ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स है भाई। अभी फ़िलहाल वहाँ पे पहुँचते हैं, आज कैंपिंग करते हैं। अभी अगर वो इसे किसी प्लेस पे ले जा पाए मुझे जहाँ पे कैंप कर पाए तो देखते हैं, अदरवाइज लेट्स सी। कल मॉर्निंग तो वैसे अपन कहीं अलग प्लेसेस पे जाने वाले हैं और वो प्लेस क्या होगा मुझे भी नहीं पता लोकेशन क्या है मुझे भी नहीं पता, तो इसीलिए उसको थोड़ा सरप्राइज ही रखते हैं क्योंकि पता ही नहीं है तो उसको सीधा वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा मैं। ओके, सो फ्रेंड्स के पास पहुँच चुका हूँ, अभी मैं सोचा यहाँ पे बाइक वॉश करा दूँ, ये होगी तो ये जाएगी। और ईशान भाई तो भाई आ गए, अभी जाता हूँ आगे, इन लोग कहीं जा रहे हैं आसपास तो वहीं जाके थोड़ा बहुत कुछ। ओके, सो बाइक धुला दिया, सो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं टू डू कैंपिंग। ओके, देहरादून में आए तो कैंपिंग करना तो बनता है। सो ये भाई चल रहे हैं आगे, ईशान भाई और एक और भाई जो आगे निकले, इन लोग भी अपना टेंट वगैरह ले रहे हैं और अभी अपन जा रहे हैं एक रिवर साइड कैंपिंग करने के लिए जहाँ पे बाइक थोड़ी दूर खड़ी रहेगी और अपन थोड़ा और आगे की तरफ जाएंगे, अंधेरा होने को है। अब लेट्स सी, खाने पीने का सामान खरीदेंगे और आगे बढ़ेंगे। अंधेरा ऑलरेडी हो गया, कैंपिंग के लिए निकलते हैं और कैंपिंग के लिए कुछ कुछ सामान ऑन द वे खरीद रहे, मतलब चिकन हो गया या कैंपिंग में जो भी चीज़ें बना सकते हैं, तो ये सारे एफर्ट्स भाई लोग मेरे लिए ले रहे हैं। तो अभी अंधेरे में पहाड़ों के बीच जाना है, रिवर क्रॉस करना है, देन कैंपिंग साइड पे जाना है और वहाँ पे टेंट लगाना है अंधेरे में। सो लेट्स सी, बाइक कहीं दूर खड़ी रहने वाली है क्योंकि ऑब्वियसली नदी क्रॉस करते हुए जाना है, देखते हैं अभी निकलते फिलहाल। ये प्लेस बहुत ही स्केरी लग रहा है। ओके, ये पूरा ऑफ रोड है, राइट में आई थिंक पूरा घाट है और पहाड़ के शेड्स दिख रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड में जो हल्की सी लाइट है स्काई की, और बहुत स्केरी लग रहा है ये जहाँ भी हम जा रहे हैं। यहीं पे पक कर रहे हैं अपन, अरे माँ कसम। स्पॉट पे पहुँचे अभी हम लोग और जहाँ पहुँचे कार्तिक यहाँ पे खड़ा है, दिख रहा हूँ भाई, पहचान रहे हो ना? हर्षिल में कार्तिक और ईशान साथ में थे, मैंने अब तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, और भाई विष्णु भाई, विष्णु भाई भी कार्तिक भाई, लोग सब साथ में ही रहते हैं, दोस्त हैं, सब साथ में आज पार्टी करने वाले। सो लेट्स सी, वो लाइट की तरफ एक छोटा सा हिल एरिया है, अभी फिलहाल रात में लाइट के थ्रू जितना कुछ दिखा सकते हैं करने क्या वाले वो वहीं पे जाके देखते हैं। तो यहाँ से ना एक्चुअली नदी है, इस तरफ जो दिख नहीं रहा है तो नदी क्रॉस करके ऊपर चढ़ना है वैसे। हाँ भाई, पानी में जाना है क्या? मेरे पे मारना, मेरे पे
मेरे पे मारो तो नीचे का नहीं दिख रहा है वैंडी। एक नीचे मारो, ये ना ऊपर चल, आराम से आराम से। कहाँ से है? ठीक है ठीक है। अभी यहाँ से तो भयानक है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रैक कर रहे हैं अपन, लेफ्ट में पूरा डीप है, तो ऐसे चढ़ते जा रहे इतने में हालत हो गई है। तो पहले चढ़ ले, तो नहीं दिखाई दे रहा है कुछ। टॉर्च भी जो मैं मार रहा हूँ ये भी चार्ज नहीं है। हाँ, वो भी प्रॉपर चार्ज नहीं है। यहाँ पे पूरा नदी है नीचे की तरफ, ये पूरा नीचे उतरते ये नदी क्रॉस करके हम लोग इस तरफ आए, और यहाँ पे है प्लेन एरिया, यहाँ पे हम लोग करने वाले कैंपिंग। यहाँ पे करेंगे कैंपिंग। टेंट यहाँ पे लगा दिया अपन ने, और एक टेंट यहाँ पे लगा हुआ है, और बाकी ईशान भाई, कार्तिक भाई और बाकी भाई लोग सब यहाँ पे आ चुके हैं। हम लोग सब ऑलरेडी साथ में आए, तीन लोग बाद में आए थे, और एक टेंट जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ये थोड़ा एक दूर है। एक टेंट यहाँ पे है, ये मॉर्निंग में पता चलेगा एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, क्योंकि अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा है। और एक टेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा अभी आग वाग लगाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, चिकन विकन बना रहे हैं, और नॉन वेज लाए ना, तो थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें भी की हैं हम लोगों ने यहाँ पे, तो मॉर्निंग में बताते हैं। तो ठीक है, दो लोगों का जो टेंट आता है वो मैं लेने वाला हूँ। ये रहा, ऐसा एक छोटा वाला ले लूँगा। पहली बार देखे मैंने आज ये सामान। हाँ, तो अभी लकड़ी वगैरह ढूंढने वाले अपन, लकड़ी ढूंढ के फिर सब जन साथ में फिर आगे आने वाले यहाँ पे, और फिर कुकिंग। अरे नीचे पे पानी जाओ, अभी लकड़ी ढूंढते। एक बार इंट्रोडक्शन करवाता हूँ भाई लोग का। कार्तिक को तो आप लोग मिल चुके हो, ईशान भाई को भी आप लोग मिल चुके हो, नकुल भाई, नकुल ना, नकुल भाई, अपने विष्णु भाई, हेमचंद भाई, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, धारचूला, धारचूला मिस हो गया इस बार, देहरादून तो यहाँ पे। हाँ भाई, बात तो है ही। इसको नहीं भूले रहेंगे ना, अभी लास्ट वीडियो में भी जो बंदा था गंगोत्री में, डुबकी मारी थी, बारह डुबकी मारी थी भाई ने, बारह डुबकी मारी थी इसने। ठंडा है काफी, जबरदस्त। आज चिकन खिलाएंगे बना के, बढ़िया सा, एक नंबर। रेडी करते हैं अभी, बैग पड़ा हुआ है, वो बैग के साथ बना रहा हूँ, पूछो मतलब उसकी भूख लगी क्योंकि अब हो गया, और लेट नहीं हो रहा है। अरे जला दे, जला ऐसा लग रहा है नेक्स्ट लेवल चिकन बनने वाला है अपने कार्तिक भाई, देखो जरा। फिलहाल तो सिर्फ तेल है, चिकन आएगा तो वापस बताता हूँ। ये आगे प्याज टमाटर तो दिखा दो, और यहाँ पे बनाओ, अच्छा 60 ml के। ओके, डिनर रेडी है, चिकन रेडी है भाई ने, हमारे कुक साहब कार्तिक साहब। कुकर ये रहा चिकन, तंगड़ी मंगड़ी मस्त गल वल के रेडी। हाँ, फटाफट दबाते, मिलते फिर। हेलो, क्या हुआ था? फोन दो। ये दो वेजिटेरियन भाई लोग हैं जो दोनों मैगी बना के खा रहे हैं, और यहाँ पे चिकन की टोली बैठी, और यहाँ पे वेजिटेरियन मैगी की टोली। ओके, सो तकरीबन 12 बज रहे हैं, अभी हम लोगों ने खाना खाया, और इधर यहाँ पे खाना बना था, यहाँ पे गैस पे मैगी वगैरह बना था, यहाँ पे चिकन बना था चूल्हे पे। यहाँ पे अपना टेंट है जो मैंने ऑलरेडी बताया, और वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है वो कोने में। दो लोग हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, भाई का नाम है विष्णु, चार लोग नीचे गए पानी वगैरह लाने के लिए, और मैं यहाँ पे रुका हूँ। मेरा क्योंकि बूट मैंने निकाल दिया, और स्लीपर मेरा है बाइक पे, तो ऐसे में नीचे जाना, थोड़ा बॉनफायर करेंगे, थोड़ा चिन मारेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। नेट बंद करके रखा है क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह अंदर चले जाते हैं, तो
देखते हैं, मजा आ रहा है। खाना वाना जो बना के खाया ना हम लोग यहाँ पे, चिकन विकन यम था, सीरियसली टेस्टी था। ग्रेवी बहुत यम्मी बना था उसने, तो इट वॉज गुड। और मैगी तो टेस्ट नहीं की हम लोगों ने, जो चिकन वाले चिकन खाए, मैगी वाले मैगी खाए, तो अपन चिकन वालों में से थे। तो ओके, सो अभी वीडियो एंड करने का मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी सेशन चल रहा है, बॉनफायर वगैरह होगा, तो फिर वापस मिलता हूँ। वापस बोल कार्तिक, वो वापस बोल। कौन सा वाला? वो नाम वाला, तीन बार वाला। अच्छा हाँ, जैसे अभी रात को कोई आवाज़ मारेगा 12 बजे के बाद, तो तीन बार में तो इग्नोर ही करना है, तीन बार इग्नोर करना है। और कम से कम पांचवी छठी बार जब मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रिपीट हो रही लगातार, तब अब रिस्पॉन्स, तब रिस्पॉन्स है। और कोई आवाज़ देगा तो बिल्कुल ऐसे पीछे पलट के नहीं देखना है, बिल्कुल भी बैक साइड, ठीक है? नहीं है कुछ भी हो, अवॉइड करना है उसको, अवॉइड, मतलब जितना ज्यादा अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना है, कुछ देखना नहीं है। Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I.